हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। आज मैं आपको आपका सीक्रेट बताने वाली हूँ। हल्लो सीक्रेट। दोस्तों, मुझे तो पता ही नहीं ना कि आप में कौन कौन से राज है और आप कितने छुपे रुस्तम हो। तो चलिए देखते हैं कि मैं यह कैसे सही गेस कर पाती हूँ। तो भाई दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे 10 सवाल पूछने वाली हूँ और हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी ए बी सी डी, और हर ऑप्शन के लिए कुछ पॉइंट दिए जाएंगे। तो भाई जानना है ना कि आप में कौन कौन से राज है, तो फिर देरी कैसी। चलिए पेन और कागज उठाइए। बोलो आंटी बोलो। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मीरा और मनोरंजन मैं साला इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सवाल नंबर 1। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ कलर आए हैं, तो आपको इसमें से जो कलर पसंद है आप वह कलर चुन लीजिए। तो चलिए इसके लिए 10 सेकंड का टाइम लगा देते हैं। मुझे तो रेड पसंद है, तो मैं रेड रखूंगा। तो अपन कर रहे हैं। वैसे आंटी कुछ ज्यादा ही धीरे धीरे बोलती है। तो भाई आपने कलर चुन लिया ना, और दोस्तों इन कलर के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, दिखाई दिए ना। तो दोस्तों आपने जो ऑप्शन चुना था लिख लीजिए। लिख लिया आंटी। सवाल नंबर 2, आपको कौन सा प्राणी पसंद है? ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन एक मिनट, छिपकली किसको पसंद है? मतलब कुछ भी, मैं तो कुत्ता कर रहा हूँ, मेरे को कुत्ता ज्यादा पसंद है, तो बी। ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी बिल्ली। तो दोस्तों इसमें से आपको जो ऑप्शन पसंद हो आप वह ऑप्शन चुन लीजिए। तो चलिए इसके लिए 10 सेकंड का टाइम लगा देते हैं। तो भाई आपने ऑप्शन चुन लिया ना, और आपने जो ऑप्शन चुना है उसके लिए कुछ पॉइंट्स आए हैं, तो आप वह लिख लीजिए। सवाल नंबर 3। दोस्तों भाई, आपको कौन सी फिल्म देखना पसंद है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी रोमांटिक, ऑप्शन सी एक्शन मूवी, ऑप्शन डी पुरानी। एक्शन। सवाल नंबर 4, आप छुट्टी के दिन क्या करना पसंद करोगे? ऑप्शन ए ग्रंथालय में जाना, ऑप्शन बी बाल कटाने जाना, ऑप्शन सी दूसरों की मदद करना, ऑप्शन डी टीवी देखना। तो हम करेंगे टीवी, डी। सवाल नंबर 5, आप खाली समय में क्या करना पसंद करोगे? ऑप्शन ए पढ़ाई करना, ऑप्शन बी दोस्तों। अंटे, अभी तो आपने ये सवाल पूछा था। तो के साथ खेलना, ऑप्शन सी शॉपिंग करना, ऑप्शन डी प्राणी संग्रहालय में जाना। सवाल नंबर 6, आपको पजल गेस करना पसंद है? ऑप्शन ए हाँ मुझे बहुत पसंद है, ऑप्शन बी थोड़ा बहुत पसंद है, ऑप्शन सी पसंद है, ऑप्शन डी पसंद नहीं है। एक मिनट आंटी, सारे जवाब का आंसर अभी चाहिए क्या? फिर आप तो हमें मतलब हमारे आंसर को देख कर जवाब दे दोगी। सवाल नंबर 7, आपको कौन से गाने पसंद है? ऑप्शन ए देशभक्ति गीत, ऑप्शन बी पुराने गीत, ऑप्शन सी भक्ति गीत यानी भजन, ऑप्शन डी अभी के नए गीत। देखो बात ऐसी, मुझे ए और डी दोनों पसंद है, लेकिन मैं जाऊंगा ए पे। लगता हमारे आंटी कुंडली निकालेंगी सीक्रेट की जगह कुंडली। सवाल नंबर 8, आपको कौन सा मौसम पसंद है? ऑप्शन ए वसंत, ऑप्शन बी धूप काला यानी गर्मी का मौसम, ऑप्शन सी ठंड काला यानी ठंडी का मौसम, ऑप्शन डी बारिश। देखो बात ऐसे, मुझे गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, तो बी करें। सवाल नंबर
सवाल नंबर 9, आपकी मनपसंद बुक कौन सी है? ऑप्शन ए कोई भी, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी रोमांटिक, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। मुझे तो वैसे मतलब पुराने जमाने के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे नॉलेज मिले, तो मुझे ऐतिहासिक ही पसंद है। सवाल नंबर 3, आपका नेचर यानी स्वभाव कैसा है? ऑप्शन ए आप आग की तरह गर्म हो, ऑप्शन बी आप पानी की तरह शांत हो, ऑप्शन सी आप हवा की तरह चंचल लहरी हो, ऑप्शन डी आप जमीन की तरह जड़ यानी मट्ट हो। समझ तो मुझे में से कुछ नहीं आया कि क्या रखूं, मैं सी रख रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आपको आपका रिजल्ट बताने वाली हूँ। फाइनली रिजल्ट। तो दोस्तों अब आप अपने सभी पॉइंट ऐड कर लीजिए यानी जोड़ लीजिए। तो हाँ जी आंटी बताओ। भाई दोस्तों जरा रुकिए, धैर्य रखिए, यहाँ पर तो सभी फ्रेंड्स है ना, मुझे तो सभी का रिजल्ट बताना है। यह तो रिजल्ट देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितने छुपे रुस्तम। मैं भी देखूंगा मेरा कौन सा सीक्रेट है। यदि दोस्तों आपके पॉइंट्स 100 से 160 के बीच आए होंगे तो आप एक सभ्य और आप एक मिनट, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है या हमारे बारे में परिचय है? अरे आंटी ने बेवकूफ बना दिया भाई। चलो देख ही लेते अपना 190 आया है। दर्शवादी व्यक्ति हो, यदि आपकी बात सत्य होती है तो आप किसी से भी बात करने के लिए नहीं घबराते। आपका स्वभाव शांत और सरल है। आप एक रचनात्मक व्यक्ति हो, परिस्थिति कैसी भी हो आप शांतता से उसका हल ढूंढ ही लेते हो। यदि दोस्तों आपके पॉइंट्स 170 से 240 के बीच आए होंगे तो आप किसी भी बात को बहुत ही गंभीरता से सोचते हो। आप होशियार हो और आप अपने मेरी शक्ल देख कर लगता है मैं होशियार हूँ, दिख रहा हूँ मैं होशियार कहीं से भी। मतलब आंटी ने भाई पहली बार तो पूरा बेवकूफ बना दिया। 1 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया आंटी जी ने। अरे भाई ये गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या छोड़ो क्या ही करूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर तो जरूर करना और कमेंट में बताना कि मेरे को आगे कौन सी ऐसी वीडियोस लानी चाहिए। थैंक यू।